सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट हेलो एवरीवन आज हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स इन ए यूनिट सेल जनरली एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स होता क्या है इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ आइटम्स विच इज एलिजिबली बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर यूनिट सेल यानी एक यूनिट सेल में यूनिट सेल क्या थी हमारी कोई भी क्रिस्टल सिस्टम की क्रिस्टल स्ट्रक्चर की सबसे स्मॉलेस्ट थिंग थी उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते थे ठीक है तो उस यूनिट सेल में कितने एवरेज नंबर ऑफ़ आइटम्स प्रजेंट हैं ठीक है तो उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले माइशल प्रशांत वेलकम टू पैसिफिक एकेडमी सो लेट्स स्टार्ट तो एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स ये हमारा कौन सा यूनिट सेल है मैंने आपको बताया क्यूबिक सिस्टम है ये हमारा कौन सा है क्यूबिक सिस्टम क्योंकि इसकी इसकी जो शेप है वो किस तरीके की है क्यूबिक तो ये किस कैटेगरी में आता है क्यूबिक सिस्टम में और क्यूबिक सिस्टम के आपके लेटेस्ट पैरामीटर आपको पता थे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना था नाइनटी ठीक है तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक सिस्टम है सिंपल क्यूबिक है अब सिंपल क्यूबिक में हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम में क्या सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि जितने भी आपके एटम्स हैं वो हमारे कहां पे प्रेजेंट होते हैं केवल कॉर्नर्स में कॉर्नर्स पे ही एटम प्रेजेंट हमारे होते हैं ठीक है ये सिंपल क्यूबिक में अभी कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है तो कॉर्नर्स पे जो ये एटम प्रेजेंट है इसमें इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने एवरेज आइटम्स हमारे होंगे तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा हमारा क्या है हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ एवरेज आइटम्स इन यूनिट से इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉर्नर आइटम्स डिवाइडेड बाय एट ये मैं बताऊंगा क्यों डिवाइड किया गया एट से नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड आइटम्स डिवाइडेड बाय टू प्लस नंबर ऑफ इंटरनल नंबर ऑफ इंटीरियर आइटम जो भी अंदर प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय वन ठीक है इट इज़ यूज फॉर क्यूबिक सिस्टम इट इज़ यूज फॉर क्यूबिक सिस्टम ठीक है तो एन एवरेज कॉर्नर आइटम में डिवाइड बाई एट क्यों किया गया क्योंकि एक कॉर्नर आइटम वन एट पार्ट कवर करता है अपना कॉन्ट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल में यानी आठवां हिस्सा जो है उतना हिस्सा वो एक यूनिट सेल में कवर करता है इसलिए इसको हम लोगों ने डिवाइड किया एट से ठीक है ये होता है फेस सेंटर फेस सेंटर में क्या होता है जब कोई हमारे फेस सेंटर में प्रेजेंट होता है तो आधा हिस्सा इसके इस इस फेस पे रहता है आधा इसमें रहता है ठीक है तो आधा दूसरे यूनिट सेल चल में चला जाता है इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि आधा हिस्सा होने की वजह से इसको डिवाइड कर देते हैं दो से और इंटीरियर आइटम अंदर कोई आइटम प्रेजेंट है वो हमारा क्या हो जाता है टोटल पूरा आइटम वो पूरा कंट्रीब्यूट करता है उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में ठीक है तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ़ एवरेज आइटम्स इस पर्टिकुलर सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कितने होंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे सिंपल क्यूबिक सिस्टम में केवल हमारे पास कॉर्नर्स पे आइटम होते हैं और कॉर्नर्स के आइटम जो हैं वो केवल वन एट पार्ट ही कवर करते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं पर्टिकुलर यूनिट सेल में ठीक है तो हमारे पास गिनेंगे हम लोग कितने कॉर्नर्स आइटम है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट कॉर्नर आइटम है तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉर्नर आइटम है एट एट डिवाइडेड बाई एट प्लस हमारे पास फेस सेंटर्ड कितने फेस पे कितने प्रेजेंट है कितने प्लेन्स पे कितने प्रेजेंट है ये पर्टिकुलर प्लेन ये जो ए बी सी डी है ये भी जो प्लेन है इसमें कितने आइटम प्रेजेंट है नो no? जीरो किसी भी प्लेन में कोई भी आइटम नहीं प्रेजेंट इसलिए यहाँ पे जीरो जीरो डिवाइडेड टू और इसके अंदर भी कोई आइटम नहीं प्रेजेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो डिवाइडेड वन तो ये वैल्यू हो गई जीरो तो, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने आ गए वन ठीक है तो नंबर ऑफ एवरेज आइटम इन ए सिंपल क्यूबिक इज इक्वल टू वन इट इज़ यूज फॉर सिंपल क्यूबिक ठीक तो यहाँ से हमें पता चल रहा होगा कि सिंपल क्यूबिक में हमारे नंबर एवरेज ऑफ आइटम कितने हैं एक आइटम प्रेजेंट है ठीक है नंबर एवरेज एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स वन नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है एक बॉडी के जो पर्टिकुलर यूनिट सेल है उसके एक सेंटर्ड में होता है उसके पर्टिकुलर बॉडी के सेंटर्ड में होता है ठीक है और बाकी एट कॉर्नर्स पे तो इसमें क्या होता है बीसीसी में एट कॉर्नर्स आइटम है और एक बॉडी के सेंटर्ड में है तो जैसा कि हम लोगों ने इसमें भी एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स निकालना एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स इन एफ बी सी सी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इक्वल टू क्या फॉर्मूला था एन सी बाई एट प्लस एन एफ बाई टू प्लस एन इंटीरियर बाई वन ठीक है तो हमें पता है एट कॉर्नर आइटम है वन एट पार्ट कवर कर रहा है तो एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट ठीक है एट कवर कर रहे इसके बाद फेस के सेंटर्ड में कोई भी नहीं है जीरो इंटीरियर में कितना एक ये जो है ये हमारे पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर है ठीक है बॉडी सेंटर्ड एक यूनिट सेल के सेंटर्ड में है ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा वन डिवाइडेड वन ठीक तो ये टोटल कितने आ जाएंगे ये आ जाएंगे हमारे टू तो नंबर ऑफ़ एवरेज आइटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इज़ नथिंग बट इक्वल टू टू ठीक तो ये हमारे बॉडी सेंटर्ड अब आ जाते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक में फेस सेंटर्ड क्यूबिक अब इसमें देखो इसके ये फेस में क्या है एक दो और नीचे तीन चार पाँच छः सिक्स फेसेज हैं टोटल फेसेस कितने हैं सिक्स तो सिक्स फेसेज हैं तो सिक्स फेस सेंटर्ड आइटम है ठीक है और एट कॉर्नर्स हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ठीक तो एट कॉर्नर्स आइटम है तो एट कॉर्नर्स आइटम है तो नंबर ऑफ एवरेज आइटम इन एफ हमारे पास कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एवरेज आइटम इन एफ सी सी इज नथिंग बट देखो इंटीरियर आइटम यहाँ पे क्या है इंटीरियर आइटम यहाँ पे कोई अंदर कोई आइटम नहीं प्रेजेंट है ठीक है यानी फुल आइटम कोई अंदर प्रेजेंट नहीं है और हमारे पास कॉर्नर पे एट आइटम प्रेजेंट है प्लस फेस हमारे कितने फेस सेंटर्ड पे कितने प्रेजेंट है सिक्स तो वो कितना आधा भाग कवर करते हैं आधा भाग पार्टिसिपेट करते हैं यूनिट सेल में इसलिए सिक्स डिवाइडेड टू इंटीरियर आइटम कोई नहीं तो जीरो हो जाएगा ये आ जाएगा थ्री ये आ जाएगा वन तो नंबर ऑफ़ एवरेज आइटम फॉर एफ फॉर एफ सी इस फोर फॉर एफ सी सीज फोर ठीक है तो ये कवर ये हमें पता चल रहा होगा कि एक पर्टिकुलर यूनिट सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या है एक पर्टिकुलर यूनिट सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एवरेज आइटम कितने हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया इसी तरीके से नंबर ऑफ यूनिट सेल होती है तब जाके हमारा पूरा एक क्रिस्टल बनता है ठीक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है अब आ जाते हैं हमारे पास क्या हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक हेक्सागोनल क्लोज पैक इसके लिए थोड़ा फार्मूले में क्या हो गया है कि यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैक के लिए हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये यह जो आपके इस प्लेन में जो एटम प्रेजेंट है ये कितने हैं सिक्स सिक्स एटम प्रेजेंट हैं और इनका वन सिक्स भाग ही पार्टिसिपेट कर रहा है इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में ठीक है तो इसके लिए एन एवरेज इज नथिंग बट एन सी कॉर्नरस आइटम डिवाइडेड बाई सिक्स या वहाँ पर एट था यहाँ पर सिक्स हो जाएगा इसके बाद फेस सेंटर्ड में आधा हिस्सा ही कवर करेगा डिवाइडेड बाई टू और इंटीरियर एंगल जो है वो पूरा हिस्सा कवर करेगा ठीक है तो तीन इंटीरियर एंगल है इसमें देखो तीन अंदर की अंदर की तरफ होते हैं ठीक है तीन अंदर की तरफ ये सारे क्या अंदर प्रेजेंट है जो सिक्स हैं हमारे वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो नंबर एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स फॉर एफ कितना हो जाएगा कॉर्नर्स <coughs> में हमारे सिक्स ऊपर एक दो तीन चार पाँच छः सिक्स प्लस सिक्स इतने कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है प्लस थ्री हमारे इसके बाद हमारे पास है ये देखा होगा आपने ये ये पोर्शन ये जो इंडर सेंटर ये क्या है फेस सेंटर ठीक है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे टू डिवाइडेड बाई टू ठीक टू डिवाइडेड बाय तो यहाँ से जब निकालेंगे तो ये एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स इज नथिंग बट सिक्स ठीक है यहाँ पे देखो सिक्स कॉर्नर आइटम्स हो गए थे तो ये कॉर्नर आइटम एक कॉर्नर दो कॉर्नर तीन कॉर्नर चार कॉर्नर इसी तरीके नीचे भी छः हैं तो सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व हो गया ठीक है दो इंड सेंटर्ड में प्रेजेंट है एक ये और एक ये प्रेजेंट है एक ये प्रेजेंट है ठीक है तो ये टू डिवाइडेड बाय टू कर दिया ठीक है आधा हिस्सा इस इसमें कवर कर रहा आधा यूनिट सेल जो नीचे वाला होगा उसमें कवर करेगा ठीक इसलिए इसका आधा पार्ट इसमें कंसीडर कर लिया तो इस तरीके से नंबर ऑफ एवरेज आइटम ऑफ पर्टिकुलर हेक्सागोनल क्लोज पैक सिस्टम इज सिक्स ठीक है तो हम लोगों ने डिस्कस किया एवरेज नंबर ऑफ आइटम फॉर एवरेज नंबर ऑफ आइटम फॉर सिंपल क्यूबिक इज नथिंग बट कितना आया था वन फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इट इज टू फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक इज नथिंग बट सॉरी फोर एंड फॉर एंड एवरेज फॉर हेक्सागोनल क्लोथ पैक इज सिक्स ठीक है तो ये याद कर रखना हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा कवर करते हैं ठीक आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर तो बने रहिए मेरे साथ मैं प्रशांत थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर मोर एंड मोर